पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा, क्या इमरान खान ने बेच दिया था भारत से मिला मेडल, क्या है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के दावे की सच्चाई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर से चर्चाओं में है। राजनीति के गलियारों से इत्र इस बार इमरान खान क्रिकेट की वजह से सुर्खियों में है। इसका कारण है साल 1987 में भारत से मिला एक मेडल जो इस वक्त पाकिस्तानी खबरों में छाया हुआ है। इस मेडल के पीछे की कहानी क्या है, इमरान खान और भारत से इसका क्या कनेक्शन है, इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि इमरान खान ने भारत से मिले एक गोल्ड मेडल को सिर्फ 3000 रुपए में बेच दिया था। रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद खलबली मच गई और इसे लेकर अलग अलग दावे पेश किए जाने लगे। इस बीच पाकिस्तान के ही एक कॉइन कलेक्टर ने जानकारी दी कि उन्होंने एक ऑक्शन में इमरान खान के उस गोल्ड मेडल को खरीद लिया था। कसूर के शकील अहमद ने पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर के साथ बातचीत में दावा किया कि साल 2014 में उन्होंने लाहौर से कुछ मेडल खरीदे थे, उनमें से एक मेडल इमरान खान का था। शकील अहमद ने कहा कि 2 साल तक वह इस मेडल को इमरान खान को वापस देने की कोशिश में लगे रहे क्योंकि ये क्रिकेट के इतिहास से जुड़ा हिस्सा है। मैंने इस दौरान मेडल नहीं बेचा और बाद में इसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सौंप दिया जिसे बाद में पीसीबी म्यूजियम में रख दिया गया। अब ये मेडल इमरान खान को कब और कैसे मिला, थोड़ा ये भी जान लेते हैं। ये बात साल 1987 की है जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इमरान खान की अगुवाई में भारत दौरे पर आई थी। इस दौरे में पाकिस्तान और भारत के बीच 6 वनडे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी थी। पहले 5 टेस्ट मैचों की एक सीरीज होनी थी। सीरीज की शुरुआत से पहले 20 जनवरी 1987 को एक फ्रेंडली मैच हुआ। मुंबई स्थित क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये मैच करवाया गया था। इसी मौके पर CCI ने इमरान खान को ये मेडल देकर सम्मानित किया था। इस मैच से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सचिन तेंदुलकर से भी जुड़ा है। दरअसल पाकिस्तान के अब्दुल कादिर चोटिल हो गए थे और 14 साल के सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के लिए फील्डिंग की थी। भारत की ओर से इस मैच में रवि शास्त्री ने कप्तानी की थी। इस मैच को भारत ने 6 विकेट से जीता था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।